News 18, India. बड़ी खबर आई दिल्ली से। किसानों के दिल्ली कूच से पहले पुलिस ने दिल्ली की घेरेबंदी कर दी। अलग अलग राज्यों से लगने वाली दिल्ली के सभी बॉर्डर पर पहरा बढ़ा दिया गया। 12 मार्च तक पूरी दिल्ली में धारा 144 लगा दी गई। दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और शंभू बॉर्डर को छावनी में तब्दील कर दिया। बॉर्डर पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरे तक तैनात कर दिए गए। अलग अलग किसान संगठनों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत खेती से जुड़ी कई दूसरी मांगों को लेकर दिल्ली घेरने की तैयारी कर ली है। 2020 में भी किसानों ने करीब एक साल तक दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन किया था और करीब एक साल बाद वो वहां से हटे थे। एक बार फिर किसानों ने ऐलान किया है कि केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए वो दिल्ली को घेरेंगे। लेकिन किसानों के दिल्ली कूच को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेड लगाने के साथ सड़क पर लोहे की कीलें बिछा दी। दिल्ली में दाखिल होने वाले रास्तों पर भारी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों को तैनात कर दिया गया। दिल्ली और हरियाणा के बीच सिंघू बॉर्डर पर तो 4 फीट ऊंची दीवार बना दी गई और सड़क पर बिछाने के लिए खास तरह की लोहे की बड़ी बड़ी पट्टियां मंगवा ली गई। इन पट्टियों में पहले से ही नुकीली कीलों को वेल्डिंग के जरिए जोड़ दिया गया था। ये बैरिकेड तो होगा ही, लेकिन ये जो कील बैरिकेटिंग जिसे कहते हैं वो भी कर दी जाएगी, जिससे कि अगर आप किसी भी गाड़ी से आगे बढ़ रहे हैं तो आप वहीं पर रुक जाएं। लोहे की नुकीली पट्टियों के अलावा पुलिस ने सिंघू बॉर्डर पर भारी मात्रा में कटीले तार भी मंगवा लिए। ड्रोन से बनाए गए वीडियो में सिंघू बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए की गई 3 लेयर की बैरिकेडिंग दिखाई दी। सबसे पहले सीमेंट के बैरिकेड और उसके बाद लोहे के बैरिकेड रखे हुए दिखाई दिए। उनके ऊपर कटीली तार भी रखी नजर आई। इसके बाद सबसे आखिर में बड़े बड़े कंटेनरों को एक कतार में रख दिया गया। किसान अपने ट्रैक्टरों से इन कंटेनरों को हटाना दें, इसका भी इंतजाम कर दिया गया। आप देखिए तस्वीरों में कि इतना आसान नहीं होगा। जब इनके अंदर मिट्टी भर जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी वजनी हो जाएंगे और ये इनको हिलाया नहीं जा सकता है। यानी किसानों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने सिंघू बॉर्डर को पूरी तरह सील करने का इंतजाम कर दिया। और किसानों के दिल्ली कूच को रोकने के लिए दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच गाजीपुर बॉर्डर पर भी सिंघू बॉर्डर जैसे ही इंतजाम दिखे। किसानों के आंदोलन को देखते ही पूरी दिल्ली में 12 मार्च तक धारा 144 लगा दी गई। गाजीपुर बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस ने मुस्तैदी बढ़ा दी और उत्तर प्रदेश से दिल्ली की तरफ जाने वाले रास्ते के एक हिस्से को बंद कर दिया गया। वहां मौजूद ट्रैफिक पुलिस के सिपाही लोगों से दूसरा रास्ता लेने की अपील करते दिखे। गाजीपुर बॉर्डर पर इस तरह से ये ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। कुछ लोग हैं जो डाइवर्ट होते हुए रास्ता भी पूछ रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस के साथ भारी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी मुस्तैद दिखाई दिए। ऐसा लगा जैसे वहां रैपिड एक्शन फोर्स की कोई छावनी हो। किसानों को रोकने के लिए लगाए गए बैरिकेड के पास तैनात RAF जवानों के हाथों में आंसू गैस के गोले दागने वाली बंदूक भी नजर आई। यानी प्रशासन की तैयारी किसानों को किसी भी हाल में दिल्ली की सीमा पर ही रोक देने की है। खबरों के मुताबिक उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के अलावा मध्य प्रदेश और उत्तराखंड से भी कुछ किसान दिल्ली कूच की तैयारी में। लेकिन किसान संगठन दिल्ली में एंट्री न ले सके, इसके लिए राजधानी को पहले ही किसी अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया, क्योंकि पुलिस प्रशासन को इस बात की आशंका है कि अगर किसानों के संगठन दिल्ली में घुसे तो हंगामा बढ़ सकता है। हरियाणा और पंजाब के बीच शंभू बॉर्डर पर भी पुलिस ने पहरा बढ़ा दिया। लेकिन किसानों को रोकने के लिए की गई पुलिस की मॉक ड्रिल के दौरान हालात बिगड़ गए और अफरा तफरी मच गई, क्योंकि किसानों को रोकने के लिए की गई बैरिकेडिंग के पास पुलिस ने आंसू गैस के गोले दाग दिए। पुलिस की तरफ से छोड़े गए आंसू गैस के गोलों की वजह से वहां तेज धमाके जैसी आवाजें सुनाई दी। इसके बाद वहां भगदड़ जैसे हालात हो गए। वहां मौजूद लोग इधर उधर भागते दिखाई दिए। थोड़ी ही देर में वहां चारों तरफ सफेद धुआं फैल गया। वहां खड़ी मीडिया कर्मियों की गाड़ियों के पास भी सफेद धुआं उठता दिखाई दिया। इसके बाद पुलिस की एक टीम वाटर कैनन की मदद से पानी छिड़कती नजर आई। पुलिस ने इस मॉक ड्रिल की जानकारी पहले ही दे दी थी, लेकिन इसके बाद भी धमाके की आवाज सुनते ही अफरा तफरी मच गई। हरियाणा की तरफ से किसान दिल्ली में दाखिल न हो सके, इसके लिए शंभू बॉर्डर को बैरिकेड और पुलिस के जवानों से पाट दिया गया। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर किसानों को रोकने के लिए किए गए इंतजामों ने 3 साल पहले हुए किसानों के आंदोलन की याद दिला दी।